अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मावरा हुसैन और मैं ज़िमिल का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ फ्रॉम ड्रामा सीरियल नीम। अगर आप नीम के एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू हम टीवीज़ यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंदर तुझे अकेले जाना है भाईजान। मुझे डर लग रहा है। किस चीज़ से डर लग रहा है? तुम समझाई थी ना बात तुझे। भाईजान कोई मसला हो गया तो आप बचा लेंगे ना? भाई ये तो छोटा, बचपन से लेकर आज तक किसी मुश्किल में तुझे अकेला छोड़ा, अब भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब कुछ तेरे मुस्तकबिल के लिए तो कर रहा हूँ, जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक। हमारे साथ जो हादसा हुआ उसके बारे में पता चला, दुख हुआ है बहुत। किसने किया ये जुल्म? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। मुझे पता है। क्या यही कि ये जुल्म तुम्हारे साथ किसने किए और असद को जेल किसने भिजवाया? किसने बोलो, किसने? बताऊंगा लेकिन अल्लाह की कसम खाओ तुम किसी को नहीं बताओगे। मुझे नाम बताओ उसका। यार देखो, हम गरीब लोग हैं, कच्चे घर हैं हमारे। गरीब आदमी मजबूर होता है। जमील भाई भी मजबूर थे। जल्दी बताओ। जमील भाई ने मुझे भेजा तुम्हारे पास। कई दिनों से उनके दिल पर एक बोझ था, कई रातों से वो सुकून की नींद नहीं सो पाए। जमील ने किया है ये सब कुछ? नहीं 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 नहीं, जमील भाई ने नहीं। जमील भाई तो तुम्हें बचाना चाहते थे। ये सब तो करामत ने किया है। करामत क्यों करेगा? तुम मुझसे बेहतर जानते हो क्यों। करामत को तुम्हारे और अफशीन के चक्कर के बारे में पता चल चुका था और ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए वो तुम्हें मारना चाहता था। हमने कसम खाई है, मेरा और जमीन भाई का कहीं नाम आया तो हम बिला वजह मारे जाएंगे। ये सब कुछ तुम्हें बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि जमील भाई के दिल से उनका बोझ हल्का हो जाए और तुम अपना बदला ले सको। चलता हूं, पर याद रखना तुमने कसम खाई है। क्या हुआ बता दिया उसको? क्या कहा उसने? उसकी तो सांसें ही रुकी हुई है। किसी को बताएगा तो नहीं? नहीं, उसने अल्लाह की कसम खाई है। भाईजान आप यहाँ? तुम दोनों यहाँ क्या कर? भाईजान वो अमजद पर नजर रखी हुई। नजर के बच्चे, मुझे पता भी है तेरा यहाँ आना कितना खतरनाक है। तुझसे कहा था सिर्फ वकील को भेज, खुद ही आना। भाईजान मैं तो बस वैसे ही। भागो यहाँ से। दो है कहा वो? भाईजान ये जनरल वार्ड में। जाओ। तुम मुझसे बेहतर जानते हो क्यों। करामत को तुम्हारे और अफशीन के चक्कर के बारे में पता चल चुका था और ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई,